सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्लीज वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 23 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक कंपेयरिंग डेसिमल्स इन दिस वर्कशीट। सो एज यू ऑल नो, लास्ट वर्कशीट में हमने हंड्रेड्स और टेंथ्स के बारे में जाना था, यानी जो डेसिमल होता है उसके जस्ट बाद जो नंबर होता है उसको हम टेंथ्स कहते हैं, और जो उसके बाद वाला नंबर होता है उसको हम हंड्रेड्स कहते हैं। और फिर हमने डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं उनको पढ़ना भी सीखा कि उनके कौन से पार्ट होते हैं। जो उसका डेसिमल के लेफ्ट वाला होता है वो तो जो एक होल नंबर होता है, और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, और उनको हम हमेशा अलग अलग डिजिट में पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आज हम उनको कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि डेसिमल वाले नंबर्स को कंपैरिजन कैसे करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एट अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर वन इज, इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स सानिया स्कोर्ड 8.5 मार्क्स एंड रोहित स्कोर्ड 8.7 मार्क्स, हु स्कोर्ड हायर। तो देखिए, एक क्लास टेस्ट में जो कि 10 मार्क्स का था, सानिया ने 8.5 मार्क्स लिए और रोहित ने 8.7 मार्क्स लिए, तो हु स्कोर्ड हायर, यानी किसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, कितने ज़्यादा स्कोर किए किसने। तो देखिए, कई बार ये सिचुएशन आपके साथ भी होती होगी, तो आप इसको आज यहाँ पे समझिए। सानिया स्कोर्ड मार्क्स इज इक्वल टू 8.5 एंड रोहित स्कोर्ड मार्क्स इज इक्वल टू 8.7। वाइल कंपेयरिंग, याद रखिएगा और इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, वाइल कंपेयरिंग टू डेसिमल नंबर्स वी कंपेयर द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। अब आप समझिए कि हम हमेशा कंपेयर करने के लिए लेफ्ट टू राइट कंपेयर करना शुरू करते हैं। जैसे कि इस वाले नंबर में अगर आप इसको ना भी करें तब भी देखिए, 8 इसका देखा हमने, इधर इसका भी 8 देख लिया, दोनों इक्वल हैं। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो देखने से भी पता चलता है कि यही बड़ा है, लेकिन हम इसको आगे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 0.5 का मतलब होता है, यानी ये 5 टेंथ्स हैं, तो टेंथ्स का मतलब क्या है, बाय 10, यानी 5 बाय 10, और यहाँ पर 7 टेंथ्स हैं जैसा कि लास्ट वर्कशीट में हमने किया था, ये हो गए 7 बाय 10। अब हु इज़ बिगर, 5 बाय 10 और 7 बाय 10, ऑफकोर्स 7 बाय 10, तो सो दैट 8.7 इज हायर, तो देन रोहित स्कोर्ड हायर मार्क्स। एज अ होल पार्ट इज सेम इन बोथ नंबर्स, दैट इज 8, मैंने अभी आपको समझाया। सो नाउ वी कंपेयर टेंथ प्लेस, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि पहले हमें होल पार्ट देखना है, वो सेम है तो हम टेंथ पे जाएंगे, टेंथ सेम है तो हम 100 पे जाएंगे। तो इस तरह से, सिंस 7 इज ग्रेटर देन 5 इन टेंथ प्लेस, सो देयर फोर 8.7 इज ग्रेटर देन 8.5। नाउ क्वेश्चन, कंपेयर एंड फाइंड द बिगर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से बिगर नंबर को फाइंड करना है, इसको समझना है पहले, फिर वही बात, फॉर कंपेयरिंग डेसिमल्स वी फॉलो द रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन। ये बात याद रखिएगा, हमेशा लेफ्ट वाले डिजिट से ही स्टार्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर तो देखने से पता चल रहा है, यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ 0, हु इज़ द बिगर, हु इज़ द हायर, ऑफकोर्स 1.02। तो लेट्स अंडरस्टैंड 1.02, और इसको हम देखिए, 1 तो होल नंबर है, इसको तो 1 ही लिखना है, प्लस टेंथ कितने हैं 0, तो 0 बाय 10, प्लस हंड्रेड कितने हैं 2, तो 2 बाय 100, इसको हम एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड 0.99 में 0 तो होल नंबर है, प्लस 9 टेंथ्स हैं यानी 9 बाय 10, और 900 हैं यानी 9 बाय 100। तो अब आप देखिए कि सिंस होल पार्ट 1 इज ग्रेटर देन 0, देयर फोर 1.02 इज ग्रेटर देन 0.99, क्योंकि एक बड़ा है 0 से, हमने यही कंपैरिजन कर लिया, आगे देखा ही नहीं, तो इसका मतलब दिस नंबर इज बिगर। नाउ 2.09 एंड 2.093, यहाँ पर
थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी है। देखिए, टू को हमने देखा, वो दोनों सेम है, ज़ीरो को देखा वो भी सेम है, नाइन को देखा वो भी सेम है। अब अगला नंबर यहाँ तो थ्री है और यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं है, तो जहाँ डिजिट नहीं होती वहाँ अपने आप से ज़ीरो लगा दो। अब बताओ कौन बड़ा है? यही बड़ा है। फिर भी हम इसको एक्सपेंड वाले एक्सपेंशन मेथड से देखते हैं एक बार। 2.09 को हम 2 प्लस 0 टेंथ है 0/10 एंड 9 हंड्रेड है प्लस 9/10। अब यहाँ पर 2.093 को 2 प्लस 0 टेंथ 0/100, 9th हंड्रेड 9/100 एंड 3000th है 1000th, तो 3/100 हो जाएगा। और सिंस यहाँ पर तो नंबर है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स दिस वन इज़ द बिगर नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है पहले हमें सबसे जो लोएस्ट नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है उसको रखना है, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर, इस तरह से, लेकिन डेसिमल वाले नंबर से। तो सबसे पहले हमें कौन सा देखना है? देखिए यहाँ पर टू तो सारे ही हैं, तो हम टेंथ प्लेस पर आएंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो देखा टेंथ प्लेस पर ज़ीरो ये वाला भी है, ये वाला भी है, ठीक है। अब ये देखना है कि ये वाला नंबर छोटा है ज़ीरो में या ये वाला छोटा है। तो ये तो 2.03, क्योंकि हंड्रेड पर यहाँ पे थ्री है और यहाँ पर ज़ीरो है, तो ये ही छोटा है, इसलिए सबसे पहले हमें 2.005 लिखना है। फिर उसके बाद दिस वन 2.03। अब आ जाएंगे इससे टेंथ प्लेस पर होना चाहिए, तो दैट मीन्स दिस वन 2.13 इससे बिगर, फिर 2.3 उससे बिगर, 2.35 उससे बिगर, एंड सबसे जो बिगर नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, वो है 2.9। इसी तरह से अब हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट द डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले सबसे बड़ा चूज़ करना है, फोर तो सारे ही हैं लेकिन टेंथ प्लेस पर सबसे ज़्यादा कौन है? वो यही है 4.7। अब इससे छोटा देखिएगा, इससे छोटा देखेंगे तो ये वाला आएगा 4.17। 4.17 इसको ज़ीरो अपने आप लगा सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। फिर इसके बाद 4.107, फिर 4.0 वाला आ जाएगा क्योंकि यहाँ वन है, फिर उसके बाद छोटा क्या होगा? ज़ीरो, तो ये वाला आ गया। और फिर इसके बाद सबसे आखिरी में 4.017। सो लेट्स डू सम अनदर क्वेश्चन। टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। क्वेश्चन नंबर वन इज कंपेयर द डेसिमल्स एंड सर्कल द बिगर वन। देखिए आपको कंपेयर करना है और सर्कल करना है जो बिगर नंबर होगा। देखिए ए पार्ट है, अब हमें इन दोनों नंबर को देखना है कंपैरिजन कैसे करते हैं। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में ज़ीरो, ज़ीरो सेम। अब टेंथ प्लेस पर आ जाओ 5 और यहाँ पर 0, तो कौन बिगर होगा? दिस वन। आपने यहाँ पर इसको जो है 0.5 को आपने सर्कल कर देना है क्योंकि ये बिगर नंबर है। नाउ अनदर नंबर 0, 0 इज़ द सेम, टेंथ प्लेस पे 0, यहाँ पे भी सेम, लेकिन हंड्रेड प्लेस पर आप देखिए क्या है 7 और यहाँ पर कितना है 2, तो विच वन इज़ बिगर? 0.07 इज़ बिगर। यहाँ पे है 1.23 और यहाँ पे है 1.2, जिसमें आगे डिजिट नहीं होता, आप अपने आप से 0 भी लगा सकते हैं। अब बताइए कौन विच वन इज़ बिगर? 1.23, द 3 एंड 0.8 ऑब्वियसली 3। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज पुट द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू आफ्टर कंपेयरिंग द डेसिमल्स। आपको अब सिंबल लिखने हैं इनके बीच में, जो भी बिगर होगा और जो भी कौन सा होगा स्मॉलर होगा। जैसे फर्स्ट इज 0.7 और ये है 0.17, तो देखिए 0 तो 0 सेम हो जाएगा, लेकिन टेंथ प्लेस पे 7 और यहाँ पे 1 है, तो दिस वन इज़ ग्रेटर। 0.20 एंड 0.2, तो यहाँ पर आप 0 अपने आप से लगा दीजिए। अब बताइए बोथ आर इक्वल। 0.9, 0.19, तो 0, 0 सेम, 9 और 1, 9 इज़ बिगर, दैट मीन्स दिस वन इज़ बिगर। 0.05 और 0.5, यहाँ पे आप 0 अपने आप से लगा सकते हैं।
अब बताइए, ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो है टेंथ प्लेस पे, यहाँ पे फाइव है, तो दैट मीन्स 0.5 इज बिगर, 0.68 एंड 0.86, तो ज़ीरो सेम, नेक्स्ट नंबर इज सिक्स और यहाँ पर एट है, दैट मीन्स इट इज़ बिगर. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो देखिए, सबसे पहले असेंडिंग में सबसे छोटा छांटना है, तो सबसे छोटा होगा 1.09, फिर 1.9, उसके बाद 2.03, 2.05, 3.5 एंड 4.9 सबसे बिगेस्ट है. फिर नेक्स्ट हो जाएगा 0.09 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 0.99, फिर उससे बड़ा 1.09, उससे बड़ा 1.93 एंड 1.99. फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. पहले सबसे बड़ा छांटना है, सबसे बड़ा इन सब में है कौन सा बताइए, वो है 3.4, यानी 3.40, फिर 3.04, उसके बाद 2.9, फिर उसके बाद 2.89 एंड 2.54, और इसमें सबसे बिगेस्ट कौन सा है, 8.799 सबसे बिगेस्ट, उससे छोटा 8.64, फिर इससे स्मॉलर 6.9, फिर 6.8 एंड 6.50, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस, देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.